नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनवी है। विंटेज स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपको म्यूजिक सिस्टम दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज में आपका स्वागत है। ये अभी मेरी बेटी की आवाज़ थी। वो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो पास में ही रहती है, तो इसीलिए थोड़ा उसने माइक ले लिया था। आज की वीडियो दोस्तों प्री हेड सर्किट के बारे में है, जो डेक प्लेयर के लिए ये हेड का जो इनपुट होता है और इसका आउटपुट बेस टेबल और उसके बाद पावर एम्प में जाता है, इसलिए ये सर्किट यूज़ होता है। दोस्तों इस सर्किट को बनवाने की जो वजह थी, जो मकसद रहा, वो ये था कि मार्केट में सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारे कैसेट प्लेयर में कंपोनेंट यूज़ होते थे, ये हेड वाला सर्किट उनमें से बहुत ही डिमांडिंग एक प्रोडक्ट में से है। आप लोगों के लगातार मुझे मैसेजेस आते रहे कि प्री हेड सर्किट का कहीं से अरेंजमेंट करिए, तो मैं ये लेके आया हूँ। दोस्तों चैनल पे वीडियोस कम आ रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश लगातार ऐसी रहती है कि मैं अलग अलग तरह की चीज़ें जो अभी मार्केट में आसानी से नहीं मिल रही हैं वो आपके लिए उपलब्ध करा सकूँ। जैसा कि पिछला वीडियो था एक हेड के लिए, वो अलग अलग तरह के उसमें कुछ हेड्स मैंने दिखाए थे आपको, तो आज यही सर्किट है। ये प्री सर्किट होता है दोस्तों, स्पेशली हेड के कनेक्शन के लिए, और मार्केट में मिल नहीं रहा था। पिछले कई महीने से मैं तलाश कर रहा था, और मेरे कुछ लोग जो दोस्त हैं आप ही लोगों में से जो YouTube पर अक्सर मेरा वीडियो देखते रहते, वो भी अपने अपने लोकल मार्केट में सब जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने एक यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर जो पहले ये सर्किट बनाने का काम करते थे, उन्हीं से रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये बना के दिया है। सर्किट आप देख सकते हैं, IC बेस्ड है ये, 3161 इसमें IC लगी हुई है, और देखने में सर्किट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है, क्योंकि जैसा आजकल मार्केट में PCB आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, सब चीज़ प्रिंटेड होती है, इस पर ऐसा नहीं है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है दोस्तों। मैं जो बातें मैं आपको बता दूं, साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये ठीक ठाक साउंड क्वालिटी में है, कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। और चूँकि हमारे सामने तो मजबूरी है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, ये सारी बातें हैं। चलिए बात करते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो ये इसका ऊपर की साइड है, और नीचे की तरफ तीन इसमें मेन वायर कनेक्ट करे गए हैं। दोस्तों पहले आप देख सकते हैं एक लाल कलर और ब्लैक, रेड और ब्लैक, ये 12 वोल्ट DC सप्लाई के लिए है। दोस्तों DC सप्लाई 12 वोल्ट के लिए, ये रेड वाला प्लस और ब्लैक माइनस के लिए। उसके बाद दोस्तों ये 3-कोर शील्डेड वायर है, ये सीधे हेड पे कनेक्ट करनी है, इसको हेड पे कनेक्ट कर देंगे हम। एक ग्राउंड है और एक लेफ्ट और राइट के लिए, रेड और ब्लैक कलर में है इसके अंदर भी। इसके अलावा ये दो पॉइंट जो हैं ये आउटपुट है, इसका आउटपुट लेफ्ट और राइट का, जो कि आपके मेन एम्पलीफायर में, या फिर अगर मेन एम्पलीफायर से पहले BT बोर्ड, बेस ट्रेबल बोर्ड आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये लेफ़्ट और राइट के लिए कनेक्ट होगा। और अगर दोस्तों कॉमन पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, मतलब एक ही ट्रांसफार्मर हम पावर एम्पलीफायर और इस सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, तो ग्राउंड देने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से ग्राउंड दिया जाता है, क्योंकि हमिंग की दिक्कत आ जाती है। मुझे उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ये चीज़ें बता रहा हूँ। और ये एक सर्किट की टेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है सर्किट। चलिए देख लेते हैं, एक मैंने कनेक्ट करके रखा है एक मैकेनिज्म के साथ और एक 4440 IC बोर्ड के साथ कनेक्ट करके रखा है, वो हम देख लेते हैं और इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग। तो दोस्तों ये है वो सेटअप, ये मैकेनिज्म है FLD का, और ये जो नया प्री हेड सर्किट बनाया गया है ये वो सर्किट है, और ये 4440 IC बेस्ड एक एम्पलीफायर सर्किट है दोस्तों। और यहाँ मैंने पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया है 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर, और क्योंकि ये सर्किट 12 वोल्ट DC सप्लाई से चलता है और ये भी 12 वोल्ट DC सप्लाई से चलता है,
इसलिए मैंने यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये चार डायोड और एक कैपेसिटर लगा के एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। और तीनों चीज़ें मतलब जो ये 4440 वाला सर्किट है और ये सर्किट और मोटर, यहाँ मोटर को भी मैंने सीधे सीधे 12 वोल्ट सप्लाई इसी ट्रांसफार्मर से दी है। ये दोस्तों 4440 आईसी वाला जो सर्किट है आसानी से लोकल मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाता है, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत पसंद आया क्योंकि अच्छी हीट सिंक लगी हुई है, दो पावर कैपेसिटर भी हैं और इसमें इनबिल्ट बेस ट्रेबल भी है और टोन कंट्रोल्स भी लगे हुए हैं, एक मास्टर वॉल्यूम, बेस ट्रेबल और बैलेंस के लिए। अब वैसे आप सभी लोग जानकार हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि प्री हेड सर्किट का काम ये होता है कि मैकेनिज्म में जो हेड लगता है उससे इनपुट लेके और उसके बाद यहाँ पावर एम्पलीफायर को ये आउटपुट देता है, और इससे मैंने स्पीकर कनेक्ट किए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा टेस्ट करके मैं पावर ऑन कर देता हूँ और इसे करते हैं प्ले। ये वॉल्यूम है दोस्तों, I've lost my pretty stripes. What is the meaning of this? Said Leon the lion. What is the meaning of this? Said Mandy the monkey. तो देखा आपने दोस्तों, अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक बार कनेक्शन के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, ये ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मैंने इसको दिया है और इसको दिया है प्री हेड सर्किट को, और मोटर पे दिया हुआ है। यहाँ से ये हेड का वायर है जो इसमें जाता है, और एक वायर दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्योंकि कैबिनेट में नहीं है सारी चीज़ें इसलिए हमिंग आ रही थी, तो ये मैंने ग्राउंड को ऐसे दिया हुआ है, मतलब पावर एम्पलीफायर का ग्राउंड, और ये मैकेनिज्म पे यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। और बहुत बड़ी क्वांटिटी में तो ये नहीं है दोस्तों मेरे पास, ये 25 पीस ही मेरे पास अभी हैं। और प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बोलते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर दीजिए आप, मतलब 500 या 1000 पीस का, लेकिन ये 25 पीस थे, तो इसका जो प्राइस अभी आपको मिलने वाला है वो ये 350 रुपये का एक पीस मिलेगा। अभी बातें होती हैं कि 350 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 350 में तो ये 4440 का सर्किट भी आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन कारण ये है कि 4440 जैसे ये सर्किट हैं, ये बहुत मात्रा में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कंपनी बना रही हैं, तो इसलिए कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये स्पेशली ऑर्डर दे के बनवाया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा खुद भी माफ़ी चाहूँगा आपसे कि ये कॉस्ट इतना हाई है। ये 350 रुपये का एक पीस आपको मिलेगा। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों संभव हो सके तो व्हाट्सअप करिए, क्योंकि हर समय कॉल रिसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये फुल टाइम बिजनेस नहीं है, मैं दूसरे काम करता हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है। तो आप अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, और नहीं तो कॉल कर सकते हैं सुबह को या शाम के टाइम में, मतलब सुबह को 9 बजे से पहले पहले या शाम को 7 बजे के बाद, बिल्कुल आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश है जो ये पुरानी चीज़ें खो गई हैं, मार्केट में मिलनी बंद हो गई हैं, ये उन्हें वापस लाने की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।